हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा वृत्ति जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट्स आए कि सर आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। साथ में शिक्षक वृत्ति को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उसकी अपडेट मैं मॉर्निंग में ला चुका हूँ। तो ये जो मैसेज था हमारे जो नवचयनित शिक्षक संघ के संयोजक हैं श्री जितेंद्र शर्मा जी ने मुझे सेंड किया था और राखी के दिन ही सेंड किया था। चूंकि मैं उस दिन अपडेट नहीं कर पाया तो मैंने वो मैसेज आज शेयर किया। सभी ने कहा कि सर आप भी वीडियो लाएं, तो डेफिनेटली इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर तो हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे हम नवचयनित शिक्षक संगठन की बात करें और चाहे हम चयनित शिक्षक संगठन की बात करें, दोनों ही अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं और सभी की एक ही कामना है या कहें एक ही मंजिल है, वो है आपकी नियुक्ति। चाहे हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है उनसे जो है अनुरोध करके हो जाए, चाहे जो इससे जुड़े पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध करके हो जाए, हमारे शिक्षक मंत्री जी हैं, हमारे सीएम साहब हैं, सभी के पास ये बात नियम अनुसार पहुंचाई जा रही है और हर एक मुहिम जो है सफलता की ओर बढ़ रही है। सफलता इसलिए दोस्तों कि जो अब शिक्षक भर्ती है, जो शिक्षकों की नियुक्ति है, वो मुद्दा ट्रेंड में आ चुका है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में, इंडिया में ये न्यूज जा रही है बार बार कि 2018 की भर्ती 2021 तक कंप्लीट नहीं हुआ, कारण क्या है? और ये हमें तब तक जारी रखना है जब तक ज्वाइनिंग न मिल जाए। तो मैं दोनों ही संगठनों को विशेष धन्यवाद दूंगा कि अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी जा रही है दोस्तों, और आप लोगों को भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि आप भी उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप हर एक मुहिम को सपोर्ट करते हैं और हर एक मुहिम को लगातार शेयर करते हैं, जिससे कि ये आम जन जो कि इससे अवगत नहीं है उस तक भी ये बात पहुंचती है कि जो चयनित शिक्षक हैं वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए, जो कि बहुत पहले उन्हें मिल जानी चाहिए थी। कारण कुछ भी रहा हो दोस्तों, लेकिन वर्तमान की जो मैं कहूँ कि सच्चाई यही है कि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और ज्वाइनिंग के लिए यदि कोई मुहिम चलाई जाए, कोई काम किया जाए दोस्तों, तो फिर उसका रिप्लाई किस तरह से मिलता है वो भी हर एक न्यूज़ चैनल ने कवर किया है। जैसे राखी का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार था दोस्तों, और उसमें यही मांग की जा रही थी कि हमारी ज्वाइनिंग दे दो, हमारी ज्वाइनिंग की डेट तो बता दो दोस्तों। तो वो मुहिम बिल्कुल सफल रही, भारत में हर जगह ये बात पहुंची है दोस्तों, और अभी भी चाहे नव चयनित शिक्षक संघ हो चाहे चयनित शिक्षक संघ हो, दोनों ही अपनी मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली दोस्तों इसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैं सभी चैनल्स को विशेष धन्यवाद देता हूं कि लगातार वो ये अपडेट लाते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है, और इससे आप अवगत रहते हैं और आगे की जो मुहिम है उसकी भी अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों, मैं कहां गया था और मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा था, इस पर भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि 2019 हमारा था शिक्षक भर्ती को लेकर, काफ़ी मुहिम चलाई गई और मैं भी काफ़ी अपडेट लाता गया, और पूरी उम्मीद थी कि 2020 में तो हमें ज्वाइनिंग मिली जाएगी दोस्तों। और यह मैं हमें कहता हूं तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आपका भी सिलेक्शन हुआ है क्या? तो मैंने कोई बीएड नहीं किया है और ना ही मैं शिक्षक भर्ती के कोई एग्जाम दिए हैं। हमें का मतलब होता है कि जितने भी भाई बहन हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब मेरी भी ज्वाइनिंग हो रही है, मैं उनकी सफलता में ही अपनी सफलता देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 2019 उसमें निकल गया और मैं कहीं भी जो रिलेशन में थे, जो हमारे रिलेटिव थे उनके घर नहीं जा पाया, मेरे कजन्स, सिस्टर, कजन्स, ब्रदर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा रियल सिस्टर या रियल ब्रदर्स जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, मैं अकेला ही हूँ अपने माता पिता के। तो उनकी एक शिकायत रहती थी कि अब आप आते ही नहीं हो। मैंने सोचा कि 2020 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और सभी जो भी रिलेटिव हैं जिनकी शिकायत रहती है कि हम उनके घर नहीं जाते, डेफिनेटली इस बार जरूर जाएंगे। लेकिन 2020 में ऐसा लॉकडाउन लगा कि 2020 उसी में निकल गया दोस्तों। अब 2021 आया और जो राखी का त्यौहार होता है दोस्तों, भाई बहनों का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार होता है, और उसमें जो मेरी बहनें हैं वो ये उम्मीद करती हैं कि भाई इस बार तो आएंगे ही आएंगे राखी पर। और काफ़ी जो बहनें हैं यहाँ पर लोकल में, हम यहाँ शिवपुरी में रहते हैं, तो यहाँ पर भी वो सुबह मॉर्निंग में आ गई थी। फिर मेरे मन को यार ये बात लगी
और मैंने कहा कि इतना सम्मान इतना प्रेम सभी देते हैं और हम उनके घर जा नहीं पा रहे, तो इससे बड़ी एक भाई के लिए बदकिस्मती की बात क्या होगी। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो जाना है, तो इस बार मेरे मामा जी हैं राजस्थान के, तो मैं चला गया राजस्थान दोस्तों, और अपनी जो बहन है उससे राखी बनवाई और बहुत अच्छा लगा। और एक हमने बहुत जो कहते हैं कि एक मोमेंट होता है रक्षाबंधन अपने आप में, और एक भावुक पल होता है, वो हमने जिया दोस्तों। तो सभी को राखी की शुभकामनाएं तो मैं पहले ही दे चुका था, इसलिए मैं जब बाहर गया तो मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक बात का तो यकीन था दोस्तों कि जो अच्छे चैनल्स हैं वो लगातार अपडेट लाते रहते हैं, और वो लाते रहे दोस्तों। इस बीच में भी मीन्स एक टीम की तरह ही काम करते हैं, यदि अतुल कुमार शर्मा के वीडियो नहीं आ रहा है तो आप किसी और चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, वहां पे आपके वीडियो आ रहा है तो आपको अपडेट मिल ही रही है। मेन मकसद है अपडेट आप तक पहुंचनी चाहिए, चाहे अतुल कुमार शर्मा का चैनल पहुंचा दे चाहे और कोई चैनल पहुंचा दे, अपडेट आपको मिल रही थी, तो कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो इसलिए मैं दोस्तों एकदम से प्लान बन गया और निकल गया। तो यदि आपको मेरा राखी का सेलिब्रेशन देखना है, कैसे हमने रक्षाबंधन मनाया, तो जो मेरा सेकंड चैनल है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि मुमकिन हुआ तो मैं जो भी हमने सेलिब्रेशन किया उसकी कुछ झलकियाँ इस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, और मेरा जो नया चैनल है उस पर भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आपका प्यार आपका लगाव दोस्तों इतना है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं शिक्षक भर्ती पर वीडियो ला रहा हूँ, शिक्षक भर्ती पर काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के बीच में बैठा हूँ और अपनी मन की बातें शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी मुहिम होती है, चाहे आपकी पद वृद्धि की मुहिम हो, चाहे नियुक्ति की मुहिम हो, और चाहे कहीं भी कोई प्रयास किया जा रहा है, चाहे न्यायालय से जो है निवेदन किया जा रहा हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है वो सारी बातें आपसे शेयर करके। और दिल से एक ही ख्वाहिश है कि बस अब आपकी नियुक्ति हो जाए दोस्त। Thank you.